एंड अंदर आते ही माँ ने बोला आज हम इफ्तारी में बनाएंगे कुछ ये स्पेशल। इफ्तारी को बचाए एक घंटा एंड हमारी स्पेशल इफ्तारी भी तैयार हो गई। 3, 2, 1 ये देखो जी हो गया तैयार गर्मा गर्म। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे और सब अच्छे से होंगे एंड स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। सो दोस्तों आज है रमजान का day 3, तो अभी जस्ट मैं नींद से उठा हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 10, आज मैं बहुत टाइम बाद 10 बजे नींद से उठा हूँ। तो अभी फिलहाल करते हैं फेस वॉश एंड उसके बाद जाना है मुझे स्कूल, तो वहाँ पे थोड़ा सा काम है। मौसम बहुत ज्यादा खराब है, बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है, आपको दिख नहीं रहा होगा ऐसे। राइट, लेट मी शो यू। ऐसे देखो बारिश हो रही है। फिलहाल मैं भी हो चुका हूँ रेडी अच्छे से। बाहर से मौसम जो है देख लो कैसा हो गया, ये देखो जी। कश्मीर के मौसम पे कोई भरोसा नहीं है, धूप भी निकली है देखो जी। आज हम बाइक पे जाएंगे, आज स्कूटी पे नहीं, आज हम लोग बाइक पे जाएंगे। बिस्मिल्लाह, चलो अभी हम लोग पहुंचे सीधा स्कूल एंड आपसे सीधा हम वहीं पे मिलते हैं। चलो जी पहुंच गए हम लोग स्कूल। फिलहाल एग्जाम्स चल रहे हैं यहाँ पे 10th के। अभी मेरे को ऊपर जाना है प्रिंसिपल मैम के पास, मैं भी सिग्नेचर करवाना है मैम का। चलो प्रिंसिपल ऑफिस। किसका है? मेरा। फरजान। फरजान। फरजान हाँ। कैसे पेपर हो रहे? ठीक ठाक, अच्छे हो रहे? ठीक हो रहे। मेरा हो गया फिलहाल, अभी भाई का करना है, वो फॉर्म सर के पास है। मेरा तो हो गया लेकिन भाई का नहीं हुआ, भाई के फॉर्म को अभी टाइम लगेगा। वो दोनों वहाँ पे बैठे हैं। तो चलो अभी हम लोग भी स्कूल से निकल गए, अभी पहुँचते हैं सीधा घर, ठीक है? और आपसे सीधा हम घर पे मिलते हैं, ओके? तो अभी मैं जस्ट पहुँचा घर एंड अंदर आते ही माँ ने बोला आज हम इफ्तारी में बनाएंगे कुछ ये स्पेशल, जो कि है ये सेवाया, जिनको दूध में बनाकर एक अलग ही मिठास आता है मुंह में, मतलब खाकर इंसान बादलों में चला जाता है, इतना ज्यादा मजा होता है इसमें। तो अभी फिलहाल बहुत सारा सामान लाना है, ड्राई फ्रूट्स लाने हैं, दूध वगैरह लाना है। पहले पढ़ते हैं नमाज एंड उसके बाद लाते हैं सामान एंड बनाते हैं ये इफ्तारी के लिए, ओके? घर में सबने रोजा रखा है सिवाय एक बंदे के, जो कि ये खुद को जी का सुन। ओके गाइस, तो वजू वगैरह कर लिया, अभी जाता है नमाज पढ़ने। वैसे नमाज स्टार्ट हो गई होगी इतने टाइम में। चलो अभी पढ़ते हैं नमाज एंड फिर करते हैं स्पेशल इफ्तारी। को अभी तक सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था, ये साइड से मेरे को पूरा दर्द हो रहा था आज। माशाल्लाह, काश ऐसे रोज़ मस्जिद भरी हुई होती, मतलब रमज़ान के बिना। नमाज वगैरह हो गई अच्छे से, अभी करते हैं इफ्तारी की तैयारी, ओके? अभी बनाते हैं सेवाइयाँ। आप में से किस किस को वो पसंद है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो तो अभी मुझे जाना है, तीन चीज़ें लानी है बाजार से। एक तो लाना है दूध, काजू और घी, ये तीन चीज़ें लानी है मार्केट से। लेट्स गो। तो अभी फिलहाल घर से हम लोग निकल चुके हैं, तो सबसे पहले हम लाएंगे दूध और घी एंड उसके बाद वहीं से जाएंगे हम लोग ड्राई फ्रूट्स लाने, ठीक है? तो यही पास में ही जाना है, तो चलो चलते हैं। यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है रास्ते में, वहाँ पे वो लोग आपस में बहस कर रहे हैं, देखो गाड़ी को क्या हो गया है। वो जो वहाँ पे बड़ी गाड़ी है ना, ये ग्रीन वाली, तो उसने टक्कर मारी है ये इसको, सामने से पूरा नुकसान हो गया इसे। मतलब दोनों गाड़ियों को आपस में टक्कर हुई है, बड़ी गाड़ी ने छोटी गाड़ी को टक्कर मारी है। भी लाया हमने एंड घी भी लाया। चलो अभी जाना है हमें एक बस, अभी बस ड्राई फ्रूट लाना है हमें, जो कि हम सामने लाएंगे। चलो अब नहीं बनाएगा केक, बन रहा है। ये रहे हमारे काजू भी, इसे कुछ ले लिया, अभी चलते हैं घर जी। घर भी पहुंच गए हम लोग, ये रहा सारा सामान, अभी चलते हैं अंदर एंड बनाते हैं। फिलहाल लाइट तो नहीं है, मेरे ही वक्त लाइट हमेशा चली जाती है, तो अभी फिलहाल रिंग लाइट मैंने लगा ली एंड ये रहा सारा सामान हमारा, ड्राई फ्रूट्स, सेवाया, घी एंड ये रहा दूध। बस इतने से ही हमारा काम जो है हो जाएगा अच्छे से। चलो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा जो काम है ना, वो है ड्राई फ्रूट्स को हमें छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना है एंड उसके बाद जो है इसको घी में जो है रोस्ट करना है
पैन मैंने यहाँ पे लगा दिया, काम स्टार्ट हो गया हमारा। सबसे पहले काजू को करेंगे, काजू के हो गए एंड अभी बस जो है बादाम को करने हैं, इनको बीच में से जो है कट करना है। तो हम भूल ही गए थे, ये रहा नारियल, ड्राई फ्रूट्स का काम खत्म एंड अभी आती है बारी नारियल की। मैं व्लॉग की स्टार्टिंग में बोलना भूल गया था, अगर आप में से कोई चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक से देख रहा है तो फॉलो कर लेना। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग जो है वीडियो देखते हो रेगुलरली लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो आज सब लोग सब्सक्राइब करेंगे। नीचे लाल कलर का बटन होगा वो दबा दो, फ्री होता है दबाना, तो दबा देना आज। तो ड्राई फ्रूट्स का काम यहाँ पे खत्म हो गया, नारियल भी इसमें ऐड कर लिया, अभी इसमें डालेंगे हम घी। गर्म हो चुका है, ये डाल दिया हमने ड्राई फ्रूट्स भी, अभी इनको भी उठाते हैं डालेंगे बाउल में। तो ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए, तो अभी ये जो घी बचा है ये वापस इसमें डालेंगे हम, क्योंकि अभी हमें डालना है इसमें हमारा मेन आइटम जो कि है सेवैया। ठीक है, तो सेट होती है तो अभी फिलहाल हम लोग डालेंगे हमारी सेवैया घी में। घी हमारा गर्म हो चुका है तो इसको रखते हैं हम सीधा, तो अब इसको डालते हैं इसमें। बिस्मिल्लाह, हो गए घी में रोस्ट अब अच्छे से कुछ ऐसे। तो अभी इसके बाद हम क्या शायद करूँ, दूध और पत्रा भी देखें। तो अभी दूध उबालना है एंड वो फिर इसी में डालना है, इसमें छत रहा हूँ। ठीक है, अल सेवैया रखी हमने साइड में, अभी दूध हम उबालेंगे। ये रहा पतीला एंड ये रहा दूध। फिलहाल मैं पहले गैस ऑन कर लेता हूँ, लाइटर ये रहा, चलो गैस ऑन करते हैं। चलो हो गया ये भी, दूसरा पैकेट भी इसमें। तो 1 किलो दूध भी डाल दिया इसमें, अभी फिलहाल दूध के उबलने का हम वेट करेंगे एंड उसके बाद डालेंगे सेवैया उसमें एंड उसके बाद आगे का काम करेंगे। जी दूध भी उबल गया, अभी डालेंगे हम इसमें सेवैया। बिस्मिल्लाह, तो ये डाल दी हमने सेवैया भी इसमें। तो अभी इफ्तारी को बचा है 1 घंटा एंड हमारी स्पेशल इफ्तारी भी तैयार हो गई, हमारी सेवैया तैयार हो गई। ये सेवैया उबल रही है दूध में, अभी जो है ड्राई फ्रूट्स इसमें डालेंगे। चलो जी इसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं, अभी ये इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाह, शुगर डालते हैं इसमें। चलो ये हो गया शुगर भी इसमें ऐड एंड लास्ट में अब डालना है हमें केसर, कोंग अथवा अब ये डालना है हमें, ये डालेंगे हम थोड़ा सा। ये हो गया केसर भी इसमें ऐड। 3, 2, 1, ये देखो जी हो गया तैयार गर्मा गर्म। को देख के मुंह में पानी आ रहा है इसलिए इसको फिलहाल नहीं देखेंगे हम। तो अभी फिलहाल मैं करता हूँ व्लॉग को एडिट, क्योंकि इफ्तार करके ही अपलोड करना है। माशाल्लाह, तो ये रहे खजूर। चलो जी अभी हम लोग टेस्ट करते हैं अपनी सेवैया, लेट्स सी कैसा टेस्ट है इसका। जबरदस्त कसम से, आप लोग भी जरूर ट्राई करना है इसे। तो अभी फिलहाल इस वाले व्लॉग की एंडिंग हम यहीं पे करते हैं, मैं जाता हूँ नमाज पढ़ने। अगर आपको किसी भी रीजन से ये वाला व्लॉग पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।